बाइबिल में दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक है शिमशोन और दूसरा है यूसुफ। शिमशोन भी परमेश्वर का भय मानने वाला था और यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन शिमशोन के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि वह व्यभिचार में पड़ करके परमेश्वर के भय को भूल जाता है। लेकिन जो यूसुफ रहता है उसे पोथीफर की पत्नी उसे व्यभिचार करने के लिए उत्साहित करती है, फिर भी यूसुफ उस व्यभिचार से दूर भागता है। प्रियो, हमारे बीच में भी हम में से भी ऐसे कई लोग हैं जो मसीही तो हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, डेली चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार यदि व्यभिचार करने का, पाप करने का मौका मिलता है तो उसमें वो गिर जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो व्यभिचार करने का, पाप करने का मौका मिलने पर भी परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखकर उस पाप से, उस व्यभिचार से दूर भागते हैं, जैसा कि यूसुफ उस व्यभिचार से दूर भागा। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि एक सच्चा मसीही वो नहीं जो पाप ना करे, बल्कि एक सच्चा मसीही वो है जो मौका मिलने पर भी पाप ना करे। आमीन।